हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10-15 हो रहे हैं और रनिंग वगैरह सब करके आ गया हूँ मैं। फिलहाल से अभी नाश्ता कर रहा था। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में रहेगा, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आज दुर्गा माता का स्थापना वगैरह, पूजा वगैरह सारा कुछ रहेगा इस व्लॉग में। तो आगे बने रहिए। और फिलहाल से तो अभी नहा लिया हूँ मैं, तेल बस नहीं लगाया, थोड़ा सा बाल सूखने चाहिए उसके बाद लगाते हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी 12 बजने को है और कल क्या सीन हुआ था तो सबको तो पता ही है कि कल सबका नेटवर्क का जैम हो गया था भाई। सबकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि कल जियो और एयरटेल का हमारे एरिया में पूरा नेटवर्क बंद हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और मेरे में तो SMS आ गया था गवर्नमेंट वाला, सो मेरे को आसानी हुआ। और फिलहाल अभी मम्मी नहीं थी सो अभी आ रही हैं और उस तरफ मोहल्ले तरफ गई थी और मैं भी अभी उधर ही जाऊंगा। इनका ही वेट कर रहा था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि रामलीला हमारे गांव में होता है, उसमें अबुन भी फर्स्ट टाइम कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। सो उसका कुछ पात्र वगैरह का इन डायलॉग वगैरह जो कुछ भी है सो अभी वही लिखने के लिए जाऊँगा मैं उस तरफ। और मम्मी का ही वेट कर रहा था, ये भी 1 घंटे बाद आई हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको। और मैं भी अब निकलूंगा फिर उधर ही। और दुर्गा माता का स्थापना तो जो मेन चौक है हमारा ब्रह्म वाला, वहीं पास होगा और रामलीला भी वहीं पास होता है, सो वहाँ पास होगा। तो वो शाम को होगा और अभी जाके देखते हैं क्या तैयारी चल रही है क्योंकि वहीं पास में ही जाना है हमको। गाइस देख सकते हो ये है पीछे चौक और मैं पहुँच चुका हूँ। और इधर है ये वाला आश्रम, मतलब यहाँ लीला मंडली का सामान वगैरह रहता है। और ये चौक और यहाँ पास ना बड़ा ब्यूटीफुल सा ये पेड़ है पीपल का, जो इसी पीपल के पेड़ के नाम से ना यहाँ पर आसपास के एरिया काफ़ी ठंडा रहता है। और इधर चूँकि देख सकते हो नवरात्रि के लिए तैयारी व्यारी चल रही है, यहाँ पास दुर्गा माता का विराजमान होगी और जवारा वारा बोने के लिए तैयारी। चलते हैं अंदर और लाइट बंद है ना, तो लाइट बंद है और देख सकते हो ये इस तरह सामान वगैरह भी है और बाजा वगैरह जनरली आम दिनों में बंद रहता है। रामलीला होने वाला है इसलिए ये रूम खुला है और काफी सारे मेडल से देख सकते हो गांव को रामलीला मंडली को मिले हुए हैं जो। और ये है डायरी, सो इसी में लिखा है पूरा, काफी काफी पुरानी हो चुकी है लेकिन इस पे ही पूरा रामलीला का संवाद लिखा हुआ है जो कि भी ये देख रहे हैं थोड़ा साफ होने रही। अब हरि नाम सुन से देख सकते हो ये पूरा काफी है, वही है जो काफी पुरानी है, मतलब बहुत टाइम से ही चल रहा है। तो नया लिखना चाहिए, मैं भी अपना पार्ट देख लेता हूँ, फोटो वगैरह खींच के लेके जाऊंगा। अभी गाइस 1:30 बजने का है और मैंने अपना जो भी कैरेक्टर का तो वो पार्ट वगैरह था उसको मतलब फोटो वगैरह क्लिक कर लियो, मैं अब याद भी कर लेंगे 1-2 दिन में। और सागर मैं और विक्की थे, सो इधर तो तैयारी चल रहा है और कुछ लोग मूर्ति लाने के लिए भी चले गए हैं, सो शाम तक मूर्ति आ जाता है। हमारे गांव का मूर्ति है जो ये चौक वाला, वो तिल्दा से आता है, तो चले गए हैं गांव के लोग लाने के लिए जो मुखिया है समिति के। घर आ चुका हूँ मैं और खाना निकल चुका है और इधर पापा और मैं खाना खा रहे हैं टीवी देखते हुए। तो दाल भात है आज अपनी मस्त और चटनी टमाटर की, तो खाते हैं अभी खाना। अभी गाइस शाम के 3 बज रहे हैं और मैं कर रहा था वीडियो एडिट, खाना खाने के बाद सीधा इसी चीज़ पे लग गया मैं, सभी वीडियो को अपलोड बस करना है। उसके बाद अब शाम तो होने ही वाली है 1-2 घंटे में, फिर चलेंगे उस तरफ मोहल्ले की तरफ, शायद मूर्ति आ गई होगी, फिर उसका स्थापना और पूजा वगैरह होगा। और मम्मी भी बैठेंगी शॉप पर और मैं जाके करता हूँ वीडियो को अपलोड। तो अभी गाइस मैं हो गया हूँ तैयार, अब चलते हैं उस पार, जी हाँ माता रानी के दरबार। तो चलते हैं, काफी एक्साइटमेंट है और 5:40 होने को है और मूर्ति भी आ गई होगी। सो गाइस चलते हैं सीधा उसी तरफ, आज स्टैंड पकड़ लेना, मजा आएगा। और वीडियो तो अपलोड
तो रास्ते में चलते चलते कर लेंगे, मजा आएगा, मस्त भाई सारी है। और आज से गाइस चालू हो जाएगा इवेंट, सो नवरात्रि है ना, काफ़ी स्पेशल इवेंट है और बहुत मज़ा आता है। और इस इवेंट पे ना काफ़ी सारे जगह एक्सप्लोर करना है, मतलब दो तीन जगह तो जाएंगे घूमने और हमारे आसपास के एरिया में। और सुहेला जो है वहाँ का दुर्गा पंडाल सबसे भव्य और औसम होता है, लिटरली औसम होता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पास होता है 52 मूर्तियाँ स्थापित होती है दुर्गा भगवान की अलग 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 ऐसे करके। लेकिन इस बार न्यूज़ ये है कि ड्यू टू कोरोना वायरस, मतलब उसी के कारण से इस बार उतनी मूर्तियाँ हैं जो स्थापित नहीं होंगी, लेकिन 9 मूर्तियाँ होंगी। नहीं तो एक भव्य पंडाल रहेगा जो काफ़ी भव्य रहेगा और मेला का आयोजन तो होता ही है उस उपलक्ष्य पे, तो उधर ही भी चलेंगे, आगे के ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी चलते हैं। तो हमारे गांव की छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जिनका मंडली है, क्या बोलते हैं, जस गीत करने वाला, और ये है महामाया। तो सामने वहाँ पर पूजा चालू हो गई है, जो सो पास नहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं तो काफ़ी आवाज़ आता। और उस तरफ भी जाके देखते हैं क्योंकि उस तरफ है मेन चौक, तो उधर भी काफ़ी मज़ा आएगा, चलते हैं आगे। अभी गाइस पहुंच चुके हैं मेन चौक पर जो ये, और अभी भी काम चल रहा है लाइटिंग वाइटिंग का। और फाइनली जो दुर्गा माता की मूर्ति है वो आ चुकी है, और सॉन्ग चल रहा है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि उस पर कॉपीराइट ना आ जाए मेरे को। और काफ़ी मस्त मूर्ति देख सकते हो, और इधर अंदर भी जो वगैरह लगेंगे और जवाहर वगैरह लगेंगे उसका सारा सेटअप हो गया है। इस तरफ काफ़ी पॉपुलेशन है, लोग सारे उत्साहित हैं और मस्त होम थिएटर पे गाना वगैरह चल रहा है। तो थोड़ी देर में पूजा वगैरह होगा, फिर माता रानी का जो घूंघट है वो हटेगा, और अभी तो गाना बंद हो गया। सो गाइस अभी महाराज जी आ चुके हैं और सभी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जो बैठे हुए हैं अभी हमारे गांव के माननीय सरपंच महोदय जी हैं, और दुर्गा उत्सव समिति है, उसके सारे सदस्यगण अपना अपना स्थान ले रहे हैं मेन चौक में, ब्रह्म चौक में। अब पूजा चूंकि स्टार्ट होने वाला है, परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनादर दीप हर तू में पापम दीप ज्योति प्रज्वलित तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी छठ योग निगावत नीच करत भैरो मैया नीत करत भै अभी गाइस फाइनली 8 बज चुके हैं और पूजा हो चुका है ओवर, और मैं एकदम लाइट के सामने में खड़ा हूँ क्योंकि फुटेज आए इसलिए, नहीं तो उधर जाता तो काला काला आता। सो फाइनली आपने देखा कि किस प्रकार से पूजा हुआ, गांव के सरपंच और सारे समिति गण वालों ने काफ़ी सहयोगी रहे और सभी ने मिलकर पूजा किया और माता की मूर्ति का विराजमान किया। सो अभी फाइनली अभी तो मैं जाऊँगा घर, टाइम हो रहा है ना,
सो खाना वाना भी खाएंगे। सो आपने देख लिया, ये थी हमारे गांव के चौक की मूर्ति स्थापना वाली पूजा। सो अभी चलते हैं घर। सो भी गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर और अब बस भूख लग रही है यार, क्योंकि 8 बज गए ना। ओ भाई, 8:20 टाइम हो रहा है और भूख लग रही है समय। तो मम्मी लोग तो बैठे हैं। मम्मी, माँ, माँ, चलो खाना खाएंगे। तो गाइस, अभी मम्मी बोल रही है कि मम्मी लोग खाना खा लिए, मेरा वेट नहीं किए। सो अभी मैं जाके खाना खाता हूँ। तो चलो मम्मी, खाना निकालना और फ़ोन को भी खाना खिलाना पड़ेगा, तो इसको जाके चार्ज पे डालता हूँ अभी। अभी गाइस, रात के 9 बज रहे हैं। खाना खा लिया, मैं और पापा खाना खाए और देविशा और मम्मी। तो व्रत थी नवरात्रि वाला मेरे आने से पहले, इसलिए उन्होंने अपना मतलब व्रत तो मतलब फलाहार वगैरह कर लिया था। सो आई होप यू गाइस यू एंजॉय माय व्लॉग। और आगे नवरात्रि चालू हो गया है जैसे कि, तो आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे और कई कई जगह एक्सप्लोर करने भी जाना है नवरात्रि में, जो काफ़ी खास होते हैं। सो आगे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर एंड पूरा प्यार बरसा दो इस व्लॉग पे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।